असल च ना असी खुद भी अपने आप से इंप्रूव नहीं करते, तो असं ये भी नहीं देखते कि जेड़े लीडर साढ़े जिन्होंने असं मुंतखब करा रहे हैं, यानी कि वोटा ने साड़िया आवाम की पावर ना ही आना जो भी लीडर आना वा। असी अपने निकी निकी यानी कि इवज़ के नाल असी अपना जमीर वेच दें। देखो हूँ मैं तुम्हें गल सुना कि जिस दिन सरकार जो अलैहि वसल्लम तो बाद सब तो अव्वल खलीफा जोड़े से साढ़े इस्लाम के हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिस टाइम उन्होंने खलीफा मुकर्रर किया गया ना, तो रात उन्होंने खलीफा मुकर्रर किया गया, तो सुबह ना जिस टाइम दिन चढ़िया वो ममूल के हिसाब न ही अपने काम कार जिहड़ा भी कोई उस दौर करते तजारत करते जिहड़ा भी काम करते उस ममूल के हिसाब न अपने काम नूं रवाना हो गए। हुण अगे हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलोते सी, उन्होंने देखा कि हज़रत अबू बकर सदीक किधर जा रहे हैं, तो साढ़े हुण खलीफा वा, इन्होंने तो मामलात देखने आए, इन्होंने मसले मसायल सुनने आए, अपनी सवारी ते बैठे तो जा रहे। आपने ना हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रोकिया, उन्होंने पूछा कि तुसीं कित्थे जा रहे हो। उन्होंने फरमाया कि मैं ना काम कार ते अपने ते जा रहा वे। उन्होंने कहा जी तुसीं ते साढ़े खलीफा हो। उन्होंने कहा बिल्कुल खलीफा वा, लेकिन मैं अपनी बच्चों वास्ते रोज़ी रोटी का भी तो करना ना, मेहनत भी तो करनी है ना। उन्हें कहा कि तुसी खलीफा हो, अगर तुसी चले गए पिछे कोई मामलात बन गया किन्हें वेखना वा। उन्हें कहा तुहाड़ी गल भी ठीक आ, लेकिन मैं नहीं किसी ते बोझ बनना चाहता, मैं अपनी मेहनत भी नाल रखनी जरूर जारी। उन्हें कहा चलो मेरे नाल उठे बैठ के फैसला करते हैं, असी जिहड़ा खजाना वा जिहड़े फंडस आ उन्हां दे विचों यानी कि हिसाब किताब ला के ते तुहाडा यानी कि महीने का जिन्ना खर्चा हुंदा वो उस हिसाब नाल तुहाडी तय कर दिंदे कि तुहानूं असी कोल आउंदे, तुसी मस्जिद च बैठो, बस मामलात देखो, जिहड़ा कोई मसला मसायल आउंदा कोई परेशानी जिहड़ी भी यानी कि तुसी खलीफा हो तुसी देखणे आ ना। उन्होंने उन्हां नूं वापस नाल लिया दे चले गए। सारे सहाबा मुसलमान भी सहाबा करां वक्त यानी कि तमाम मुसलमान भाई इकट्ठे किए ते उन्होंने सारा मामला दसी। उन्होंने महीने की जी उन्हों का खर्चा असी पूछा उस हिसाब ना, उन्होंने कहा जी कि खर्चा तय कर दीए। उन्हें कहा तुम मेरा एक मजदूर की जिनी दिहाड़ी है ना उस हिसाब न मेरी दिहाड़ी तय कर दौ। उन्हें कहा जी तुम खलीफा हो, तुम तो खर्चा ज़्यादा वा तो घर। उन्हें कहा कि जे अगर मेरे जी तुम मैं तय करवानी है ना, अगर घट होगी ना मेरा वो गुजारा ना हो सकया, मेरा घर ना चल सकया, मैं मजदूर की तनखा वधा देंगा। मैनू पता तो चलेगा ना कि मजदूर का गुजारा नहीं हो रहा, अगर वो मजदूर का गुजारा नहीं होना तो फिर मेरा गुजारा करने का क्या फायदा वा। यानी कि पहले मजदूर को मद्देनज़र रखना वा, अगर वह घर चलता वो उन्हें तो मेरा चले, अगर मैं पता लगे कि मेरा नहीं चल रहा तो मजदूर का भी नहीं चल रहा। तो दोस्तों मैं थोड़े अगे गल कर मकसद ये आ कि देखो सानू भी जिस टाइम असी वोट पाने या असी कोई लीडर चुनते हैं सानू वेखना चाहिए वा कि क्या यह भी एक मजदूर लैव, चलो जो मजदूर लैवल का नहीं हो तो मजदूर की लैवल तक हद तक रह सोच सकता वा। आम आदमी का आम आदमी वो वेख सकता कि घर कि चल रहा वा, क्या हुण साडे हुकमरान इस चीज़ को मद्देनजर रखते हैं। देख लो तुसीं जिन्ने भी साडे हुकमरान उन्हां दी औलादां जे पहले वो आम गड्डियां ते सी ते अज्ज पराडवां ते बल्कि जहाज़ां ते फिर रहे आ, ते साडे कहिंदे ये आ कि असीं आवाम लई कुरबानियां दे रहे, कुरबानियां ही दित्तियां जिन्ने भी लीडर इन्हां दे, तुसीं बच्चे अगो देख लवो कैसियां उन्हां दियां आशीर्वादां, कैसा उन्हां दा रहन सहन ठीक आ। यानी कि तुसीं कम से कम उस लीडर नूं देखो, जिस तरह मैं पहले भी एक वीडियो पाई सी कि अगर कोई नक वड्डे तो बगैर आ जांदा वा तो उन्हूं कहिंदे तू इत्थे क्यों रहना वा, उन्हूं पसंद नहीं करदे क्योंकि सारे नक वड्डे आ वो सर जिहड़े हर बंदे ने करप्शन करनी जिन्हें आण के इस गल तो रोकना वा तो सारे तो उहदे विच हुंदे आ। वो फिर कहिंदे नहीं जी अगर तू साडे वर्गा होएगा तो इत्थे रह, अदरवाइज़ तैनूं असीं सारी पावर मिल के तैनूं बाहर कढ देंगे। तो दोस्तों कम से कम असी नहीं निकलना, किने निकलना। अगर कैद आजम मुहम्मद अली जिनाह साहब कैद मोहतरम साढ़े पाकिस्तान के जोड़े बानी आ, अगर वो ये सोच लेंगे कि मैं कला निकलागा तो की बनेगा, नहीं। और शायर का बड़ा प्यारा शेर इतने मैं याद आया कि अकेले ही चले थे जानबे मंजिल के लोग मिलते गए कारवा बनता गया, एक एक बंदा अगर सोचने लग पे मैं सही हो जावा मैं वोट सही जगह पर पाँना वा, अगर एक सोचेगा शायद दूसरा भी यही सोच रहा हो, तब्दीली इस तरह ही आती है। तो मेरा गल करन दा मकसद यह आ कि थोड़ा जिहा इन्ना क सोचा करो कि असी अपने पाइया गोश्त वास्ते अगले की मझ तो नहीं हलाल कर देने लगे, असी अपने को हज़ार दो हज़ार पाँच हज़ार की खातर ऐसे बंदे नूं वोट तो नहीं पा देने लगे जिन्हें गरीब बंदे दे खून चूस जाने, जिन्हें गरीब बंदे नूं वेखना ही नहीं कि कित्थे आ। तो तुसीं जिस तो जो भी कोई लीडर मुंतखब करते हो किसी वोट देंदे हो कम अज़ कम ये देखो कि किन्ना क सोचता वो।
ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ। ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪੈਗਾਮ ਆ, ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਮੈਂ ਉਡੀਕਾਂਗਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਦੋਸਤ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਿੰਦਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ, ਸੱਜਣ ਨੇ, ਭੈਣ ਨੇ, ਭਰਾ ਨੇ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫੋਲੋ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਜੀ।